नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। देवदास, मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में काम कर दिलीप कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार बन गए थे। दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनकी अदाकारी ने फैंस के दिलों पर जादू सा कर दिया था, उनका असली नाम यूसुफ खान था। दिलीप कुमार को ना तो फिल्मों में काम करने की कोई दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उन्हें असली नाम के बजाय किसी दूसरे नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार को फिल्मों में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अपने जमाने की अदाकारा देविका रानी को। देविका रानी का मानना था कि एक रोमांटिक हीरो के ऊपर यूसुफ खान का नाम ज्यादा फबेगा नहीं, इसलिए यूसुफ खान से वो दिलीप कुमार बन गए। बता दें कि दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा की प्रोड्यूसर देविका रानी ने उन्हें ये नाम दिया था। एक्टर ने इसकी जानकारी अपनी लिखी किताब दिलीप कुमार द सबस्टैंड एंड द शेडो के जरिए फैंस को दी। उन्होंने बताया कि कैसे मोहम्मद यूसुफ खान से वो दिलीप कुमार बने। दिलीप कुमार ने बुक में लिखा, देविका रानी ने मुझसे कहा कि यूसुफ, मैं तुम्हें बतौर एक्टर लॉन्च करने का सोच रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि स्क्रीन पर तुम्हारा नाम बदलना सही आइडिया है। कोई ऐसा नाम तुम्हें दिया जाए जो तुम्हें ऑडियंस से कनेक्ट करे और रोमांटिक इमेज बन सके। मुझे लगता है कि दिलीप कुमार अच्छा नाम है, ये मेरे दिमाग में अभी आया। मैं तुम्हारे लिए सही नाम सोच रही थी, तुम्हें कैसा लग रहा है ये नाम? एक इंटरव्यू के दौरान दिलीप कुमार ने नाम बदलने के सवाल पर कहा था कि पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे पिता फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी दुनिया में कदम रखे। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।